いいしょ हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू शो रील मैं हूं दीक्षा और जहां हम बात करते हैं बॉलीवुड की कुछ चटपटी और मसाला खबरों की सो so, आज की हमारी पहली खबर है करण जौहर की जी हां करण जौहर अपने बच्चों के लिए यानी रूही और यश के लिए एक ग्रैंड बर्थडे प्लानिंग कर रहे हैं जिसमें तैमूर खान इनाया खेमू आहिल शर्मा जैसे स्टार किड्स शामिल होने वाले हैं प्लीज़ टेक अलुक जीरो के फ्लॉप होते ही शाहरुख खान के हाथ से निकल गए हैं काफी सारे बड़े बिग प्रोजेक्ट जी हां आपको बता दें कि जीरो के फ्लॉप होने के बाद से लगातार शाहरुख खान को अब सेकंड लीड रोल के ऑफर्स ही मिल रहे हैं दरअसल फिलहाल शाहरुख खान के पास कोई नया काम नहीं आया है बड़े प्रोडक्शन हाउसेस शाहरुख की फिल्म के बॉक्स ऑफिस नतीजों का इंतजार कर रहे थे और फिल्म के फ्लॉप होते ही शाहरुख के हाथ से प्लान किए गए सारे प्रोजेक्ट्स ठंडे बस्ते में डाल दिए गए हैं आपको बता दें कि राकेश शर्मा की जिस बायोपिक में वह काम कर रहे थे वो भी उनके हाथों से निकल चुकी है बीवुड की टॉप हेरोइन करीना कपूर खान एक बार फिर से परफॉर्म कर सकती हैं दबंग थ्री के आइटम नंबर पे जी हाँ जी हाँ करीना कपूर खान जिन्हें हम पहले भी बहुत सारे हिट और मूवीज का क्रेडिट इजीली दे सकते हैं राइट फ्रॉम से छमक करीना ने हमेशा ऑडियंस के बीच में आग लगा दी है लेटेस्ट सोर्सेस से यह पता चला है कि अरबाज खान ने दबंग ट्रेंड को कायम रखने के लिए एक बार फिर करीना को अप्रोच किया है जिस पर करीना ने अपनी हामी भी भर दी है फ्रेंड्स आप तो जानते ही हैं कि अजय देवगन इज हाउ मच इन लव स्टंट्स जी हाँ अजय देवगन को स्टंट्स करना कितना पसंद है ये सब आप जानते हैं इसी के दरमियान जो है रितेश देशमुख और अजय देवगन ने ट्विटर पर एक जोक साझा किया है प्लीज टेक अ लुक सो so, रितेश ने जब एक कुत्ते को ऑटोरिक्शा तो रूफ पर शेयर करते हुए वीडियो में देखा तो उन्होंने इमीडिएटली अजय देवगन को टैग किया रितेश ने टिकटॉक वीडियो शेयर किया है जिसका कैप्शन है एट अजय देवगन जस्ट सॉ योर डॉग और जिसका जवाब भी अजय ने बखूबी दिया है और उतनी ही स्पॉन्टनिटी दिखाते हुए दूसरा पिक्चर शेयर किया है हाल ही में मीडिया से इंटरेक्शन के बाद शाहरुख खान ने ये रिवील किया है कि क्यों वो अक्षय कुमार के साथ काम नहीं कर सकते हैं जी हाँ आपको बता दें कि शाहरुख खान ने ये बताया है कि अक्षय को अर्ली मॉर्निंग काम करने की आदत है और शाहरुख को लेट नाइट उनका कहना है कि अगर हम दोनों साथ में काम कर भी लेते हैं तो हम दोनों सेट्स पर कभी मिल नहीं पाएंगे क्योंकि जिस समय अक्षय के सोने का वक्त होता है तब शाहरुख खान उठते हैं हाल ही में इन दोनों एक्टर्स को इससे पहले दिल तो पागल है मूवी में एक साथ काम करते हुए देखा गया है और इसके बाद 2007 में आई अक्षय की एक फिल्म है बेबी में शाहरुख खान ने गेस्ट अपियरेंस किया था सलमान खान और सूरज बड़जातिया एक बार फिर से हमें साथ काम करते हुए नजर आ सकते हैं जी हाँ सूत्रों की माने तो सूरज ने एक मीडिया से इंटरेक्शन के दौरान ये कबूल किया है कन्फेस किया है कि उन्होंने सलमान से अपनी अपकमिंग प्रोजेक्ट का आइडिया डिस्कस कर लिया है और वो बेहद जल्दी दोनों एक साथ काम कर सकते हैं आपको बता दें कि सूरज ने बताया है कि सलमान के साथ कर रहे फिल्म में राष्ट्रीय प्रदर्शन के सारे इंग्रेडिएंट्स होंगे राइट फ्रॉम मसाला इमोशंस ड्रामा एंड म्यूजिक सान्या मल्होत्रा अपनी अपकमिंग फिल्म फोटोग्राफ में एक गुजराती लड़की का किरदार निभाते हुए नजर आ सकती हैं आपको बता दें कि सान्या की लास्ट फिल्म बधाई हो के बाद अभी वो अपनी सक्सेस की ऊंचाइयों को छू रही हैं और इसके साथ ही उन्होंने ये अपना फंडा साझा किया है कि एक एक्टर की लाइफ में ऊंचाइयों की सीढ़ी का मतलब होता है अलग अलग किरदार प्ले करना अब देखना ये बड़ा ही दिलचस्प होगा क्या सानिया अपनी अपकमिंग प्रोजेक्ट में एक गुजराती गर्ल का रोल कितनी बखूबी से निभा पाती हैं। सो फ्रेंड्स ये थी अब तक की बॉलीवुड की कुछ हॉट न्यूज एंड हैपनिंग्स इसी तरह की मसालेदार खबरों के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के शो रील में मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार